हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको कुछ इसी तरह से व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ। तो गाइस, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो और एंड में आप भी अच्छे समझ जाएंगे कि आपको इस तरह की वीडियो कैसे बना लेना है। तो चलिए गाइस, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह की वीडियो बना लेने के लिए आपको काइन मास्टर की मोड ऐप की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपके पास वो नहीं है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए। अब इसके बाद गाइस, आपको काइन मास्टर को ओपन कर लेना। अब जैसे आप इसे ओपन करते हैं, आपके सामने इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप से जाता है। तो आपको यहां पर एक प्लस का आइकन मिल जाता है, तो आपको इस प्लस वाले आइकन में क्लिक कर लेना होगा। अब इसके बाद गाइस, आपको यहां पर एक 16:9 रेशियो के एक ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस ऑप्शन को यहां से सिलेक्ट कर लेना है। अब गाइस, आप काइन मास्टर में इंटर हो जाते हैं तो आपको यहां पर एक मीडिया का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस मीडिया वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। और इसके बाद आपको यहां पर से एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, और इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए। अब इसके बाद आपको यहां से बैक आ जाना होगा। अब गाइस, आपको यहाँ पर अपनी कोई भी एक इमेज को लगा लेना है, तो इसके लिए आपको साइड में एक लेयर का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। और इसके बाद ऊपर आपको एक मीडिया का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ भी क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ से अपनी कोई भी एक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, जिसे आप अपने व्हाट्सअप स्टेटस में लगाना चाहते हैं। और गाइस, अगर आप चाहें तो आप इस इमेज का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब गाइस, आपको इस इमेज को यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है, तो चलिए मैं अभी इसे सेट कर लेता हूँ। और इमेज को यहाँ पर सेट कर लेने के बाद आपको साइड में कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आपको इन ऑप्शंस को नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब इसके बाद ऊपर नीचे आपको एक स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। अब आपको यहाँ से बैक आ जाना होगा। अब इसके बाद आपको ऊपर एक कलर एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस कलर एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना होगा। अब गाइस, आपको यहाँ से अपने इमेज के हिसाब से इसके कलर को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, तो चलिए मैं अभी इसे कर लेता हूँ। और इसके बाद आपको इससे यहाँ से बैक आ जाना होगा। अब गाइस, आपको अपने इस इमेज के लेंथ को थोड़ा बढ़ा लेना है। आपको इस इमेज की लेंथ को इस वीडियो के लेंथ के बिल्कुल बराबर में रखना है, तो इसे मैं भी कर लेता हूँ। और इसके बाद आपको इस इमेज की शुरुआत में फिर से आ जाना होगा। अब गाइस, आपकी ये वीडियो तो लगभग तैयार हो ही जाती है, बस आपको यहाँ पर अपनी कोई भी एक म्यूज़िक लगा लेनी है। तो इसके लिए आपको साइड में एक ऑडियो का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस ऑडियो वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। और इसके बाद आपको यहाँ से अपनी कोई भी एक ऑडियो को सिलेक्ट कर लेना है, जिसे आप अपने व्हाट्सअप स्टेटस में लगाना चाहते हैं। तो चलिए मैं भी यहाँ से एक ऑडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपकी ये वीडियो तैयार हो जाती है। अब चलिए मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ हमारी वीडियो कैसे बनी है। तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस टाइप से बनी है।